हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड का मालपुआ। ब्रेड का मालपुआ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम देख लेते हैं। हमें चाहिए ब्रेड, हमने चीनी लिया है 120 ml के कप से 1.5 कप चीनी लिया है। 2 इलायची को हमने पाउडर बना लिया है। केसर लेंगे, 4 हमने काजू और 5 पिस्ता को हमने बुरादा जैसा बना लिया है, ये देखिए। चलिए हम ब्रेड का मालपुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम गैस पर एक कढ़ाई बैठेंगे और ये मेजरिंग कप से जो चीनी लिए थे वो डालेंगे इसमें, और हमने मेजरिंग कप से ही जितना चीनी लिया था उतना ही पानी डालेंगे इसमें। ये 1.5 कप पानी है मेजरिंग कप से। अब इसमें बॉयल आने दें, इसका हमें चाशनी बनाना है। हमें ब्रेड का मालपुआ बनाना है तो हम मालपुआ का शेप दे देते हैं। हम कोई भी कटोरी लेंगे ऐसा कोरी वाला, और उससे हम इसको सर्कल का शेप दे देंगे, ये देखिए। ऐसे हम एकदम दबा के गोल घुमा देंगे तो हमारा एकदम शेप आ जाएगा सर्कल का, ये देखिए। ये पोर्शन हम हटा देंगे, ऐसे ही हम सारे ब्रेड को सर्कल का शेप दे देते हैं, ये देखिए। ये देखिए, हमने सारे ब्रेड को सर्कल का शेप दे दिया है। अब हम चाशनी को देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा चाशनी में बॉयल भी आ गया है। हमारा चाशनी लगभग, ये देखिए, हमारी चाशनी में बॉयल आ गया है। अब इसे एक तार तक ऐसे ही पका लेते हैं। अब इसमें हम इलायची डाल देंगे जो पाउडर बनाए थे। थोड़ा सा केसर डाल देते हैं, थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर है ये, ऑप्शनल है, आपको मन हो तभी डालें। फूड कलर डालने से मालपुआ का कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको कलर नहीं पसंद है तो आप ना डालें। इसे और 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए, हमारा 2 मिनट हो गया है। अब इसे चेक करने का हम सबसे आसान तरीका बताते हैं। एक कटोरी में हम पानी लेंगे और इस पर थोड़ा सा चाशनी को डालेंगे। अगर हमारा चाशनी नीचे बैठ जाए ऐसे, ये देखिए, तो हमारा चाशनी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, ये देखिए, चाशनी हमारा हो गया है। अब हम एक कढ़ाई बैठाएंगे और इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे पूरा हीट कर लें, पूरा गरम कर लें। ये देखिए, हमारा ऑयल एकदम गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके ब्रेड को डालेंगे और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ध्यान रहे, एकदम ऑयल गरम होना चाहिए और हाई फ्लेम पे हम ब्रेड को डालेंगे और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे, ये देखिए। इसे लो फ्लेम पे ना पकाएं, हाई फ्लेम पे एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है अच्छे से। ऐसे ही हम सारे ब्रेड को गोल्डन ब्राउन करेंगे हाई फ्लेम पे। ये देखिए, हमारा हो गया। ये देखिए, हमने सारे ब्रेड को अच्छे से
गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी भी हो गया है। अब हम इसको चाशनी में डालेंगे। ये देखिए हमारा चाशनी एकदम नॉर्मल हो गया है। चाशनी हमारा नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना ही इसे गर्म रखें कि हम छू सके इसे। अब हम एक एक ब्रेड को इसमें डालेंगे, टिप करेंगे ऐसे दोनों तरफ से। और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, सारे को हम ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे ब्रेड को चाशनी में से निकाल लिया है अच्छे से। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा ब्रेड का मालपुआ तैयार हो गया है अच्छे से, ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हम दिखा देते हैं कि ब्रेड का हमारा मालपुआ कितना स्पंजी बना है। ये देखिए कितना स्पंजी बना है। मैं हाथ से इसको टच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा से हमारा सीरा अंदर तक गया है, कितना स्पंजी बने हैं। अगर हमारा ब्रेड का मालपुआ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।